बच्चों, आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सेकेंड लेक्चर लेके हम आए हैं और लास्ट लेक्चर आपने पक्का देखा होगा फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने आपसे प्रेशर की बात की और प्रेशर का कैसे वेरिएशन होता है डेप्थ के साथ और ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो आज के लेक्चर में आपको पता ही होगा क्या पढ़ाने वाले हैं, पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था। अभी तक आपने पढ़ा है कि किसी फ्लूइड में आपने पढ़ा है कि इस जगह पे अगर प्रेशर P नॉट है तो यहां से H हाइट नीचे आने पे इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी H। पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है तो YouTube पे टाइप करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 01 फिजिक्स वाला और ये बातें पढ़ें। हमने एक चीज और पढ़ी है अभी, क्या, कि किसी स्टैटिक फ्लूइड में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर बराबर, ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल किसी भी दो पॉइंट का प्रेशर, जैसे ये ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, प्रेशर क्या होता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम। ये दोनों बातें ट्रू थी नॉन एक्सक्लरेटेड फ्लूइड के लिए, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर यही फ्लूइड जो इस वेसल में रखा है ये किसी एक्सक्लरेशन से ऊपर या नीचे जाए या आगे या पीछे जाए तब इन लॉज में क्या चेंजेस होंगे। तो आइए देखते हैं इन लॉज में क्या चेंजेस होंगे। वेरिएशन इन प्रेशर इन एस्कलरेटेड फ्लूइड, क्या ये फ्लूइड डायनेमिक्स है? नहीं, फ्लूइड स्टैटिक है। सर आप तो कह रहे हो फ्लूइड एस्कलरेटेड, देखो फ्लूइड स्टैटिक का नियम क्या है, फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेसल, जिस वेसल में रखा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। अब आपने क्या किया, किसी वेसल में पानी था उसको उठा के आपने कार में रख दिया, कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, वेसल भी चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, उसके अंदर का पानी भी चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेसल और पानी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्लियर है। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड तभी लगाते हैं जब वेसल और पानी के बीच में रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। वेसल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो स्टैटिक, इन एस्कलरेटेड फ्लूइड। तो चलो केस वन लेते हैं इसका, केस वन मतलब वर्टिकल वाली कहानी और केस टू में हॉरिजॉन्टल। तो मान लो यहां पे फ्लूइड है, ठीक है, सीधा आप सिलेंडर ही ले लेता हूं मैं, और चलो बीकर, यहां मान लो बीकर है, इस बीकर में कोई फ्लूइड है, यहां प्रेशर पी नॉट है, फिर से यहां प्रेशर पी है, हाइट एच है, डेंसिटी रो है, और इस बार ये बीकर ऊपर जा रहा एस्कलरेशन ए से। अब हमसे पूछ रहा यहां पर पी कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की कहानी हो गई, एस्कलरेटेड फ्रेम है, पानी या लिक्विड ऐसे फ्रेम में रखा है जिसके पास खुद एस्कलरेशन है, इसको डील करने के लिए सीडो फोर्स लगानी पड़ेगी अगर इस फ्रेम से देखना चाहते हो तो। बाहर से देखोगे तो कोई सीडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, सीडो फोर्स कब लगती है, जब आप उसी फ्रेम के अंदर से देखें तो। चलो इस फ्रेम के अंदर से देखते हैं, है ना, मान लेते हैं ये एरिया कितना है इसका, इसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए, तो हम इस फ्रेम से ही देख रहे हैं, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेसल, तो वेसल के फ्रेम में आते ही हमें क्या लगानी पड़ेगी, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है देखो सूडो फोर्स वाला, ठीक है, बिना सूडो के भी कर सकते हैं, बाहर से देख लो। अब मैं वेसल के फ्रेम से देख रहा हूं, तो वेसल के फ्रेम से जब मैं देखूंगा तो मुझे लिक्विड रेस्ट में दिखेगा, तभी तो फ्लूइड स्टैटिक है। वेसल के फ्रेम से देखो तो आपको लगेगा फ्लूइड तो रेस्ट पे, क्योंकि वेसल और फ्लूइड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो वेसल के फ्लूइड फ्रेम से फ्लूइड दिखेगा रेस्ट पे, ठीक है, लिक्विड दिखेगा रेस्ट पे। तो सीडो फोर्स लगेगी, सीडो फोर्स कहां लगती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ती है जिधर एक्सेलरेशन होता है, तो इस पे नीचे की तरफ एक सीडो फोर्स लग जाएगी एम ए, एम इस फ्लूइड का मास इनटू ए। अच्छा, ऊपर से कितनी फोर्स लग रही होगी इस पे, पी नॉट ए, नीचे से कितनी फोर्स लग रही होगी पी ए, हाइट कितनी है एच, और कौन सी फोर्स होगी, इसका वेट,
वेट कितना होगा mg। अब जब आप इस फ्रेम से देख रहे हो तो लिक्विड आपको रेस्ट पे दिखेगा, तो सारी फोर्सेस बैलेंस। देखो इसके फ्रेम से वेसल के हिसाब से देखोगे तो वेसल के हिसाब से लिक्विड नहीं चल रहा, बाहर कोई इंसान खड़ा है तो उसके हिसाब से लिक्विड चल रहा है। कोई बंदा इसी वेसल पे बैठ जाए है? कोई बंदा बहुत छोटा सा हो है ना, तुम्हारे जैसे नन्ना मुन्ना सा एकदम इस पे बैठ जाए तो उसे लगेगा लिक्विड रेस्ट पे, चल ही नहीं रहा है ना। एनीवेज तो हम इसी के फ्रेम से देख रहे हैं, अंदर वाले फ्रेम से सूडो लगा लिया। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमने देखा कौन कौन सी फोर्स है, बोलो नीचे की तरफ फोर्स है पी नॉट ए, और नीचे की तरफ फोर्स है एम जी, और नीचे की तरफ फोर्स है एम ए, ऊपर की तरफ फोर्स है पी ए। अब m को हटाना होगा तो मास की जगह वही लिख देंगे, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट इंटू जी, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट। सो पी नॉट ए प्लस एम कॉमन हो गया, जी प्लस ए इज इक्वल्स टू पी ए। अब m की वैल्यू रख देते हैं, पी नॉट ए प्लस रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, जी कहां से आया हट, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो ए इंटू एच जी प्लस ए। गलत तो नहीं हो रहा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं बच्चों, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी और वॉल्यूम कितना एरिया इंटू हाइट, ये लिख लिया। यहां देखो ए ए ए ये आ रहा इस बार कहानी, रो जी एच नहीं आया, रो जी एच नहीं आया, रो जी प्लस ए इंटू एच आ रहा, मतलब ये एक्सेलरेशन जो ऊपर मिली थी वो असल में नीचे जाके उसमें जुड़ गई जी में, है ना। इस जगह जो प्रेशर है वो बढ़ गया, और सोचो तो फील भी होगा लिक्विड कैसे उठा, कैसे ऊपर उठा, तो नीचे और प्रेशर पड़ रहा, लिक्विड वैसे पकड़ वैसे उठाओगे तो क्या होगा, नीचे प्रेशर और ज्यादा फील होगा, कितना बढ़ गया प्रेशर, इतना और बढ़ गया, रो एच ए बढ़ गया। सो न्यू प्रेशर ओवर हियर विल बी हाउ मच, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच, अभी तक जी एच था अब जी प्लस ए इंटू एच। सर कैसे करना है ये, कैसे हुआ जी प्लस ए? कई बार इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इनटू एच, रो जी इफेक्टिव, इसके ऊपर लगने वाली इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है, जी प्लस ए। देखो जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये सूडो बन के नीचे लगने लगेगा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन नीचे लगने लगा सूडो बन के, ऑलरेडी जी भी नीचे था तो इफेक्टिव नीचे का एक्सेलरेशन कितना हो गया जी प्लस ए, तो जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए इंटू एच। क्लियर है, बढ़ गई फोर्स, पहले से ज्यादा प्रेशर, पहले से ज्यादा फोर्स लग रही है 100%। इसी को उल्टा कर दें, इसी का जस्ट उल्टा कर दें, याद तो नहीं कर रहे हो, जी इफेक्टिव वाला चाहो तो याद रखो है ना कि सूडो से लगा देंगे। मान लो वर्टिकल में जस्ट उल्टा केस एक बार ले लें, डिस्कस कर लेते हैं, मेरे को तो जानते हो कोई जल्दी नहीं लेक्चर खत्म करने की। यहां पी नॉट, यहां पी, हाइट कितनी एच, एरिया वही ए, ठीक है। इस बार ये नीचे जा रहा है एस्केलरेशन इसे, तो इसके फ्रेम से देखा सूडो लगा दिया, फ्रॉम फ्रेम ऑफ वेसल लिक्विड किस पे दिखेगा, लिक्विड दिखेगा रेस्ट पे, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, बिना सूडो के भी कर सकते हो, बाहर के फ्रेम से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो सूडो ऊपर की तरफ लगेगा एम ए, नीचे की तरफ वेट लगेगा एम जी, यहां से फोर्स लगेगी पी नॉट ए, यहां से फोर्स लगेगी पी ए, वही कहानी है। फिर अब नीचे की तरफ फोर्स पी नॉट ए प्लस एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स पी ए प्लस एम ए, इस बार ये भी ऊपर लग रही है, एम ए इधर आ जाएगा, P not A plus mg minus ma is equals to pa, P not A plus m common होगा g minus a, m density into volume, density into volume क्या area into height is equals to pa, a a a cancel, P not plus rho h g minus a is equals to p। बोलो समझ में आया, mass की जगह density into volume, density volume की जगह area into height। अब देखो क्या आ रहा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस
रो जी माइनस ए इंटू एच. इस बार जी माइनस ए क्या बन गया, इफेक्टिव जी. मैं क्या बोल रहा हूं, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच, ये याद रखो. और जी इफेक्टिव कहां से लगाना, वेसल के फ्रेम से लगाना. जैसे ही वेसल के फ्रेम में आओगे, एक्सेलरेशन नीचे थी तुरंत ऊपर चली गई. यहां से बताओ इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी माइनस ए होगा कि नहीं. इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी माइनस ए. अब दिमाग में लॉजिक क्लियर है, वेसल ऊपर जा रही तो एक्सेलरेशन किधर लगा दोगे तुम इफेक्टिव निकालने के लिए, नीचे सूडो की तरह वेसल के फ्रेम से. वेसल नीचे जा रही ए एक्सेलरेशन से तो उठा के एक्सेलरेशन किधर लगा दोगे, ऊपर, क्योंकि हमें कहां से देखना है, वेसल के फ्रेम से. फिर जी इफेक्टिव या तो जी प्लस है या तो जी माइनस है. नीचे आ रही तो ऊपर लग के जी माइनस है, ऊपर जा रही है तो नीचे लग के जी प्लस ए. यस, तो क्या फर्क पड़ रहा है एक्सेलरेशन से, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है. जी की जगह जी अफेक्टिव आ गया, जी की जगह जी अफेक्टिव आ गया. चलिए मिटा दें. ओके, तो ये तो बात हुई वर्टिकल कॉलम में. कहां पे बात हुई, वर्टिकल कॉलम में बात हुई, ठीक है. अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करें, सेम टॉपिक, वेरिएशन इन प्रेशर, किसमें, एस्केलेटेड फ्लूइड में. अब हम केस टू लेने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे. उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखें. इन एनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड या फ्लूइड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस फॉर, छोड़ो फॉर क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ सरफेस होता है, फॉर क्या, यही मतलब है. किसी भी फ्लूइड सरफेस में जो सरफेस पे लगने वाली टोटल फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. समझाते हैं इसको. हाँ, मतलब ये कि जैसे मानो ये फ्लूइड है तो इस जगह पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी वो या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है. यानी लिक्विड के सरफेस से 90 डिग्री पे होनी चाहिए. थोड़ा और अच्छे समझाते हैं. मान लो ये कोई फ्लूइड है, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही mg. मान लो इस फ्लूइड को मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दूं. अब फ्लूइड को क्या फील होगा कि इसके ऊपर क्या लग रही है, एक सीडो फोर्स. आप ऐसे एक्सेलरेट करोगे इसके ऊपर फोर्स पीछे लगेगी, ऐसे खींचोगे इसको तो ये पीछे की तरफ आना चाहेगा, तो एक सीडो फोर्स पीछे की तरफ लगी एम ए. तो ये हो गई इस पे लगने वाली नेट फोर्स. अब नेट फोर्स ऐसे हुई तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा ए, अब देखो ये जस्टिफाइड है. जो नेट फोर्स लगेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर. जैसे मान लो यहां पे फ्लूइड है मेरे पास और इसको मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दिया, तो नीचे लगेगा mg और इस तरफ सीडो ma, तो ये हो जाएगी नेट फोर्स. अब सरफेस इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब सरफेस इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर, ऐसा. देखो ध्यान से, अब इस नेट फोर्स के सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर. तो लिक्विड का फ्री सरफेस अपने शेप को चेंज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स जितनी ऐड कर रही हो. देखो आगे एक्सेलरेट किया तो सीडो पीछे लगा, नेट फोर्स ऐसे हुई तो सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो गया.
ठीक है, पीछे एक्सेलरेट किया सीडो आगे लगा, नेट फोर्स इधर हुई, सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो गया। मतलब जब हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड की, किसी वेसल के अंदर रख के फ्लूइड को एक्सेलरेट करने की, तब वो ऐसा शेप या ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं दिखाएगा, या तो वो इस तरफ इंक्लाइन हो जाएगा या तो दूसरी तरफ। तो ये चीज हमें समझ में आई, ठीक है, याद रहेगा रूल, सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, इसको हम आगे भी यूज करेंगे। चलो इतनी बात करने के बाद हम बात करते हैं केस टू की, वर्टिकल बात हो चुकी थी, बात करेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो मान लीजिए यहां पे फ्लूइड है मेरे पास, और इस फ्लूइड को मैं एक्सेलरेट कर देता हूं इस तरफ ए एक्सेलरेशन से, इसके नीचे मान लो व्हील लगा दी मैंने, और व्हील लगा के इसको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ इस पर नेट फोर्स किधर लगेगी, पीछे की तरफ ऐड करने लगेगा एम ए, नीचे की तरफ ऐड करने लगेगा एम जी, तो ये हो जाएगी नेट फोर्स। तो ये कैसा दिखने लगेगा हमें, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, नेट फोर्स इधर तो कुछ ऐसा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, बना दिया, डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन करोगे उतना टिल्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा तेज एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेशन जितना तेज उतना ज्यादा टिल्ट। ये देखा भी होगा आपने, ग्लास में पानी भर के ऐसे करो तो पानी ऐसे टेढ़ा होने लगता है, देखा रियल लाइफ में, ग्लास में ऐसे करो पानी ऐसे आगे बढ़ाओ तो ऐसे टिल्ट होने लगता है, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हमसे बोला क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम देखा था कि किसी भी लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, पर ये फ्लूइड कैसा है, ये एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, एक्सेलरेटेड में सेम नहीं होगा। आओ देखें, चलो हम यहां पे इमेजिनरी सिलेंडर बना रहे हैं, ए ऐसे ऐसे, ये हमने बनाया इमेजिनरी सिलेंडर, बड़े ध्यान से बनाया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा इस जगह पे प्रेशर मान लिया P1, यहां प्रेशर मान लिया, एक्चुअली फ्लूइड के अंदर प्रेशर यहां बनाता हूं P2, और इस जगह पे P1, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। इस सिलेंडर का एरिया वही अपना A मान लिया, एरिया A मान लिया, तो इस तरफ से फोर्स लगेगी बोलो P2A, इस तरफ से फोर्स लगेगी P1A, एक तरफ से P2 है एक तरफ से P1 है, ठीक है। मान लेते हैं जो लेंथ है सिलेंडर की, जो लेंथ है इस लेंथ को हम मान लेते हैं L है, ठीक, जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने बनाया है उसकी लेंथ L है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसके फ्रेम से देखना चाहोगे इसको, वेसल के फ्रेम से, ओके ठीक है, तो फ्रॉम वेसल्स फ्रेम हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरा बातें करो, एक सीडो फोर्स लगानी पड़ेगी पीछे की तरफ, क्योंकि ये पूरा फ्लूइड ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस सिलेंडर पे एक पीछे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी, तो वेसल के फ्रेम में आओ, इधर से एक फोर्स लगी P2A, इधर से फोर्स लगी P1A, अभी तक ये दोनों इक्वल आ रहे थे प्रेशर, है ना, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो P2A is equals to P1A, पर अभी एक्सेलरेशन है। सीडो फोर्स किधर लगाएंगे, पीछे कितनी M into A, है ना, सीडो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अब वेसल के फ्रेम से, फ्रॉम वेसल्स फ्रेम जब हम देखेंगे तो हमें लिक्विड किस पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, वेसल के फ्रेम से तो लगेगा लिक्विड रेस्ट पे है, नहीं चल रहा, यानी ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इक्वेशन बनेगी इस तरफ फोर्स कितनी है P2A, और पीछे की तरफ फोर्स कितनी है P1A plus MA, यहां से इसको ले आओ P2 minus P1 into A is equals to MA। अब बच्चों मास को आप क्या लिख सकते हो बताओ, मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम into डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी रो मान लो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, सो एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, सो मास की जगह एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू ए, ए से ए मर गया, अब हमें दिख रहा है प्रेशर का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो एल ए, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो एल ए। एक कंफ्यूजन आती है कि सर कैसे याद रखें किस तरफ प्रेशर ज्यादा है, चलो सर एक बार याद कर लेंगे रो एल ए, है ना, जब एल पॉइंट, एल्थ डिस्टेंस दूर हो दो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल में,
और फ्लूइड का एक्सेलरेशन ए हो तो डिफरेंस रो एल ए आएगा प्रेशर का। तो बच्चों ऐसे याद रखो, जिस तरफ उठ गया है उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पे प्रेशर देखो रो जी एच, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम। ठीक, यहां पे कौन सा प्रेशर होगा? पी नॉट। यहां पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी, इतनी हाइट जो ये नीचे आया। सो यस, जब फ्लूइड एक्सेलरेट करता है तो दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होता। पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो एल ए, लेंथ एल क्या है? वो लेंथ है जो हमने ली है। मान लो दो पॉइंट ऐसे होते, कॉन्सेप्ट समझो, मान लो दो, एक पॉइंट यहां होता, एक पॉइंट यहां होता, दो पॉइंट हमने ऐसे लिए होते, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, कितनी दूर? मान लो दो सेंटीमीटर दूर। तब एल की वैल्यू कितनी रखते हैं हम? दो सेंटीमीटर। यहां पे दो पॉइंट हमने एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिए, हमारी चॉइस थी, दो पॉइंट कहीं बीच में भी हो सकते हैं, रो एल ए। वहां पे क्या चल रहा था? एच, डेप्थ नीचे जाओ तो रो जी एच, यहां पे रो जी की जगह क्या आ गया? एक्सेलरेशन है, और एच की जगह लेंथ है। रो जी एच वहीं से रिलेट करो, रो जी एक्सेलरेशन उसकी जगह ए, एच हाइट की जगह एल लेंथ। यहां तक बातें समझ में आई? क्या क्या किया मैंने? मैंने इसको एक्सेलरेट किया, नेट फोर्स मुझे दिखी इधर, सरफेस ऐसा बनाया, यहां प्रेशर P2 बोला, P1 बोला, फिर मैंने कहा A से चल रहा तो सीडो फोर्स पीछे, सीडो लगाने का मतलब कि ये पूरा रेस्ट में दिख रहा है इस फ्रेम से, फिर रेस्ट के लिए मैंने कंडीशन की जितनी फोर्स इधर उतनी फोर्स इधर, फिर मास को एक्सप्रेस किया और गेम हो गया इतना। अब बात करते हैं कि ये कितने एंगल से इंक्लाइन हुआ। मान लो एग्जाम में सवाल आया कि ए एक्सेलरेशन से चलाने पे ये कितने एंगल से इंक्लाइन हुआ। लेट दिस एंगल बी थीटा, मान लो हमसे ये एंगल पूछ लिया, कितना एंगल है थीटा। मान लेते हैं फ्लूइड इस तरफ से एच हाइट ऊपर चला गया, मान लिया हमने फ्लूइड कितना ऊपर चला गया, एच हाइट ऊपर चला गया, हमने अज्यूम कर लिया। यहां से देखो टैन थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई एल, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई एल, लिख सकते हैं tan theta is equals to h by l, तो इतना एंगल हुआ। अब मान लो एग्जाम में h भी नहीं दिया, मान लो हाइट भी नहीं दी, तब क्या करें? तब हम एक दिमाग लगाते हैं, इसको मिटा ले, अब हम इतना समझ में आ गया, चलो यहां मिटा लेते हैं। तब हम एक दिमाग लगाएंगे और हम लिखेंगे कि यहां प्रेशर कितना है p नॉट, इस जगह पे, इस जगह पे प्रेशर कितना है p नॉट। जरा p2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, P2 होगा P0 प्लस रो जी एच, और P1 कितना होगा, P1 होगा P0, P1 तो जस्ट यहीं पे है ना, सरफेस के एकदम बगल पे है, और P2 कहां है, सरफेस से H हाइट नीचे है, P1 तो एकदम सरफेस के बगल में, तो उसमें तो P0 कहीं नीचे नहीं गए, और P2 सरफेस से H हाइट नीचे, तो P2 पे P0 प्लस रो जी एच। समझ में आ रहा है ये किस तरफ प्रेशर ज्यादा है? इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, वो तो वहां से भी दिख रहा, यहां से भी दिख रहा, कितना डिफरेंस है दोनों में दिख रहा, रो जी एच का। तो P2 माइनस P1, अगेन P2 माइनस P1 कितना डिफरेंस दिख रहा, रो जी एच का। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो एल ए, और इसकी जगह रो जी एच इज इक्वल्स टू रो एल ए, यहां से रो रो कैंसिल, यहां से देखो एच बाई एल इज इक्वल्स टू ए बाई जी, तो tan theta is equals to h by l, और ये नहीं दे रहा एग्जाम में, तो tan theta is equals to a by g। अब बिना हाइट दिए सीधा बताएगा कि इस फ्लूइड को हमने इतनी एक्सेलरेशन से भेजा, आप बताओ यहां से कितना एंगल है, तो आप बोलोगे tan theta is equals to a by g। अब जो बात मैंने पहले बोली थी वो भी यहां से प्रूव होती है, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा tan थीटा उतना ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यानी इंक्लाइन उतना ज्यादा होगा, जितनी तेज एक्सेलरेट कराओगे उतना इंक्लिनेशन होगा, उतनी ऊपर हाइट जाएगा। सारी बातें समझ में आ रही? सो एक्सेलरेटेड फ्लूइड में दो तीन बातें हमने देखनी है। पहली चीज क्या देखी हमने, पहली देखी कि एक्सेलरेटेड फ्लूइड के हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होता। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा तो पानी ऐसे भागा ऊपर की तरफ, ऐसे भागा, हमने बोला कि फोर्स के परपेंडिकुलर सरफेस, इस तरफ जिस तरफ ऊपर भागा उस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। P2 माइनस P1, रो जी एच की जगह रो, जी की जगह A, H की जगह L, L वो डिफरेंस जो दो पॉइंट लेने हैं उनके बीच का हॉरिजॉन्टल गैप। क्लियर है?
फिर P2 माइनस P1 कितना लेना हमने, रो जी एच कैसे, P2 पे हमने कहा कितना नीचे है, P0 प्लस रो जी एच, P1 यहीं पे है P0, इनका डिफरेंस रो जी एच, इक्वेट किया, फिर tan थीटा इज h बाई एल, और यहां से h बाई एल a बाई जी के इक्वल, tan थीटा a बाई जी, क्लियर है एकदम, कितना एंगल उठेगा a बाई जी। आइए अब इस पे कर लेते हैं एक दो प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल। तो हमको क्वेश्चन देते हैं, अ क्यूबिकल कंटेनर, अ क्यूबिकल कंटेनर विथ साइड एल कंप्लीटली फिल्ड विथ वॉटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वॉटर। फिर पूछा है लैंग्वेज इनकी क्या है कि कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर सो दैट कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर सो दैट हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉटर कम आउट ऑफ द कंटेनर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी साइड एल है, पूरी तरह से पानी से भरा है, उसे कितनी एक्सेलरेशन से हम लेके जाएं सो दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसका आधा वॉल्यूम वाटर का बाहर छलक के निकल जाए। ठीक, तो इसको हम करके बता रहे हैं, अगला आप करेंगे। तो यहां पे हमने एक कंटेनर लिया, अगला वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला हलवा, इसलिए हम करेंगे। यहां हमने वॉटर लिया और साइड कितनी है एल, तो एल लेंथ एल ब्रेथ है ना, और एल इसकी डेप्थ भी होगी पीछे की तरफ, ठीक है एल, ठीक है क्यूब है ना। अच्छा, इसको हमने ए एक्सेलरेशन से इधर भगा दिया। अब समझो, जब ये ए एक्सेलरेशन से भागेगा तो क्या होगा, ऐसा शेप बन गया, कितना पानी निकल गया इसमें से, हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम केम आउट, आधा पानी गिर गया बाहर। देखो इसको इधर एक्सेलरेट करोगे तो सीडो इधर लगेगा एम ए, नीचे लगेगा बोलो एम जी, और इधर बनेगा एफ नेट, तो जो सरफेस होगा वो ऐसे टेढ़ा बनेगा इस टाइप का, हाँ क्योंकि एफ नेट ऐसे है। अब जरा दिमाग लगा के बनाना ये चीज, कितना पानी बाहर चला गया है, कितना पानी, हाफ वाटर, तो यार एग्जैक्टली अगर हाफ निकल गया है तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, सोच के बोलो। अब देखो ये कंटेनर आधा भरा है और आधा खाली है, बहुत तेज स्पीड यानी बहुत तेज एक्सेलरेशन पैसा हुआ होगा, है ना 3D में है ना, ऐसे पीछे भी जा रहा है, ये आधा भरा हुआ है आधा खाली हो गया है। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कितना एक्सेलरेशन होगा, तो इस एंगल को हम बोल दें थीटा, यही एंगल थीटा होता है ना जब इंक्लाइन बनाते हैं। पहले इंक्लाइन कैसे बन रहा था, पहले बड़ा खूबसूरत बन रहा था, ये ऐसा बन रहा था है ना, तब बड़ा आसान था, हम बोल लेते ये एंगल थीटा। अब यही लाइन ऐसे चली जाएगी, क्यों चली गई भाई, क्योंकि आधा वॉल्यूम निकल गया तो आधा कंटेनर खाली है आधा भरा है, सारा पानी ऐसे आधी साइड में दिख रहा है, बाकी पानी गया। ये एंगल थीटा, ये साइड कितनी है एल, ये साइड कितनी है एल, यहां से टैन थीटा निकल आएगा, तो भैया टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टैन थीटा हो जाएगा बोलो एल बराबर एल यानी 1, और टैन थीटा ही किसके बराबर होता था, इस केस के लिए हमने लिखा था टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी, ये भी निकाला था ना आपके लिए tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। अब यहां से देखो ये 1 किसके इक्वल हो गया a बाई जी, यहां से a किसके इक्वल हो जाएगा g के, सो ये बहुत तेज एक्सेलरेशन से चल रहा है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, ग्रेविटी की बराबर की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागा, तो आधा पानी इसमें से बाहर निकल गया, आधा पानी कंटेनर में बचा। सवाल क्लियर है, अगर एक्सेलरेशन इससे कम होती तो इससे कम पानी बाहर जाता, समझ में आ रहा है ना, मैंने बोला था जितना तेज ले जाओगे उतना ये झुकता जाएगा, उतना पानी इधर आता जाएगा, उतना पानी बाहर गिरता जाएगा।
चलो इसी क्वेश्चन को आपको करना है, मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, ये समझ में आ गया, tan थीटा इज l बाय l एंड ओके। अब मैं देता हूं असली क्वेश्चन। सो जो रियल क्वेश्चन था वो क्या था, ये तो मैंने चेंज करके इजी कर लिया था। रियल क्वेश्चन क्या था, विथ साइड l इज कंप्लीट सो दैट 1/3 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉटर केम आउट ऑफ द कंटेनर। अब मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा ए बी सी डी। एक्सक्लोरेशन इज इक्वल्स टू जी, एक्सक्लोरेशन इज इक्वल्स टू 2g/3, एक्सक्लोरेशन इज इक्वल्स टू 3g/2 या एक्सक्लोरेशन इज इक्वल्स टू g/2। चलिए अब बताइए, पूरा वॉल्यूम बाहर नहीं गया, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम बाहर गया है। क्यूब है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्यूब है। पॉज करके ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये टॉपिक ना पढ़ा हो तो आपको आइडिया भी नहीं हो कि बात क्या हो रही है। बोल रहा है एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा है, कंटेनर एक क्यूब है जिसकी लेंथ L, जिसकी ब्रेथ L और जिसकी डेप्थ भी L है, विड्थ भी L है, जो भी कह लो, तीनों डायमेंशन L है। इसको किस एक्सेलरेशन से ले जाएं कि कितना वॉल्यूम बाहर चला जाए, 1/3 वॉल्यूम। अब 1/3 जाएगा तो बताओ हाइट कहां पे आएगी। ये मैंने ऐसे बना लिया, मान लो हाफ में तो बहुत क्लियर था, आधा बाहर आधा अंदर, 1/3 में मान लो मैंने ऐसे बना लिया इस तरह से, 1/3 पानी निकल गया, तो क्या ये भी 1/3 होगा? नहीं यार, ये तो वॉल्यूम है ना 1/3। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो। ये ए एस्केलेरेशन से चल रहा, आप समझ रहे हो पीछे सूडो लगेगा, एमजी लगेगा, ओवरऑल तो बनेगा तो ऐसे ही ना है? सवाल क्या है, ये तो एल है, ये एच हाइट कितनी है इस बार, तभी तो क्या मिलेगा थीटा, थीटा मिलेगा तो क्या मिलेगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी। ये हाइट कितनी है ये पता लगाना है, बताओ सोचो। सोचो अब, क्या ये 1/3 होगा या कुछ और, आइए देखते हैं। सो दैट 1/3 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉटर केम आउट ऑफ द कंटेनर, कितना वॉल्यूम बाहर गया, 1/3 बाहर गया, ठीक है ना। अच्छा मान लेते हैं ये हाइट h है, वॉल्यूम जो इसमें से मिसिंग है वो कितना है। देखो 3D की फिगर का वॉल्यूम निकालने का तरीका हमने कई बार देखा है इस लेक्चर में, एरिया इंटू हाइट। देखो ये एरिया ले ले और ये हाइट ले ले, चलेगा? 3D में अंदर जा रहा है कि नहीं पूरा कंटेनर, हाँ 3D फिगर है कि नहीं, हा? तो ये एरिया लेके ये हाइट ले सकते हैं हम। ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, ये वाला एरिया ले रहा हूं मैं, ये एरिया इंटू हाइट ले लेंगे, इतना पानी खाली हुआ है, हाफ इंटू एल इंटू एच इंटू हाइट का मतलब इस बार ये डेप्थ, ये डेप्थ कितनी है एल इंटू एल, मतलब कितना हुआ एल स्क्वेयर एच बाय टू, इतना वॉल्यूम वाटर का मिसिंग है। यहां से मैंने कहा कि जितना मिसिंग है उसका वॉल्यूम निकालो, तो समझ रहे हो 3D की फिगर है, तो मैंने कहा इसका एरिया और इसी की डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम मिसिंग मिल गया। अब ये कह रहे हैं कितना वॉल्यूम मिसिंग है, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी ये जो मिसिंग वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम का 1/3 होना चाहिए। मिसिंग वॉल्यूम को इन्होंने क्या बोला, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। बच्चों टोटल वॉल्यूम इस क्यूब का कितना होगा, एल क्यूब, यानी 1/3 ऑफ एल क्यूब। सो दिस होल शुड बी इक्वल टू एल क्यूब बाई थ्री। बोलो समझ में आया, मिसिंग वॉल इज 1/3 ऑफ टोटल, टोटल वॉल्यूम इज एल क्यूब, एल क्यूब बाई थ्री होगा, ये टोटल वॉल्यूम का एक तिहाई हिस्सा है ये, ये हमने लिख लिया। अब बताओ यहां से क्या आएगा कहानी, आंसर एल स्क्वायर सेल कैंसिल होगा, एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से 2l/3, एच मिल गया 2l/3, एच इज 2l/3, एच इज 2l/3, या सिंपल बोलते हैं एच बराबर एल इज इक्वल्स टू 2/3। यहां से एल स्क्वायर कैंसिल होगा, एच बाई एल 2/3। अब देखो टैन थीटा यहां से किसके इक्वल होगा, टैन थीटा इक्वल होगा एच बाई एल के, एच बाई एल, एच बाई एल कितना है 2/3, और टैन थीटा किसके इक्वल है ए बाई जी, यानी कि
हम लिख सकते हैं a by g is equals to 2 by 3, यहां से a is equals to 2g by 3, है कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी, समझ में आया है? पिछली बार बोला था हाफ वॉल्यूम निकल गया, तो सीधा मैंने आधा काट के यहां रख दिया, आधे में पानी था आधे में नहीं, ऐसा बोला वन थर्ड वॉल्यूम गया, तो मुझे नहीं पता ये हाइट कितनी होगी, मुझे आइडिया नहीं था ये हाइट कितनी है। मैंने कहा ठीक है, कितना वॉल्यूम इसमें से गायब दिख रहा है, मैंने कहा ये वाला जो ट्रायंगल है ये वॉल्यूम गायब है और इस ट्रायंगल की डेप्थ में भी गायब है, तो मैंने कहा मिसिंग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एरिया इनटू हाइट, हाइट एल हो गई, मतलब ये वाली हाइट डेप्थ, एरिया कितना हो गया ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इनटू डेप्थ एल हो गई। फिर मैंने कहा मिसिंग वॉल्यूम किसके इक्वल है, टोटल वॉल्यूम के वन थर्ड, तो मैंने कहा वन थर्ड के इक्वल कर लो, टोटल वॉल्यूम एल क्यूब बाई थ्री। इससे आपको एच बाई एल का रेशियो मिला, और टैन थीटा होता है एच बाई एल, और टैन थीटा ही होता है ए बाई जी, एच बाई एल टू बाई थ्री, तो ए बाई जी भी टू बाई थ्री, एज इक्वल टू जी बाई थ्री। क्लियर है, मजा आया सवाल है? चलिए, तो हमको एक बहुत ही प्यारा सवाल दिया इन्होंने कि यहां पे एक बकेट है, ठीक है, और इस बकेट में कोई लिक्विड भर रखा है, और इस बकेट को हमने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया ओमेगा एंगुलर स्पीड से, इस बकेट को इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। अब क्या होगा, आप किसी चीज में लिक्विड रख के पानी रख के ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो हमेशा क्या देखते हैं, क्या होता है, मान लो चम्मच से ही डाल के अंदर हमने पानी को ही घुमा दिया, या ऐसे ग्लास को भी हमने कसके स्पिन कर दिया, तो क्या होता है, हम देखते हैं नीचे घूमता घूमता बीच में पानी नीचे चला जाता है और साइड साइड से ऊपर, है ना, ऐसा कुछ एक कॉनकेव सा शेप बना लेता है पानी, ये वाला, ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है, वैसे तो ये पैराबोलिक शेप बना लेगा पानी, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाने पे। बहुत बढ़िया, हमसे पूछ रहा कि अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड ऊपर भी है हर जगह, लिक्विड की अगर डेंसिटी रो है, ठीक है, लिक्विड इज एवरीवेयर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, है ना, रेडियल फॉर्म में पूछ रहा है, एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर क्या प्रेशर होगा, एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर क्या प्रेशर होगा, हमसे बोल रहा है एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर क्या प्रेशर होगा, और हमसे बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। तो प्यारा सवाल है, ट्राई करना हो कर लीजिए पॉज करके, वैसे अगर इसको पहले आपने नहीं कर रखा है तो अपने आप जल्दी नहीं हिलता ये सवाल। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे, बहुत खूबसूरत सवाल है ये, बहुत ही। हम मान लेते हैं हम एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर गए और यहां पे हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर हम यहां पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो ऐसे तो मुश्किल है। अच्छा, पी नॉट का मतलब क्या है, कि सरफेस पे हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, पूरे सरफेस पे प्रेशर पी नॉट। अगर मैं यहां से बोलूं कि ये पॉइंट कर्व से वर्टिकली वाई डिस्टेंस नीचे है, कर्व से वर्टिकली वाई डिस्टेंस नीचे है, इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पे, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, इजी नहीं, यहां पी नॉट, नीचे आते वक्त प्रेशर बढ़ेगा रो जी वाई। प्रॉब्लम यह है कि हमको y के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, हमें प्रेशर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r चाहिए, तो r और y को रिलेट करने के लिए अब हमने सोचा सोचा, तो कर्व का शेप देखा, कर्व का ऐसा शेप क्यों हुआ, ये इस तरह के शेप में क्यों गया, मैंने आपको बताया था कर्व का लिक्विड का फ्री सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो हमें नेट फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इस पार्टिकल को जरा ध्यान से देखो, इस पे लगने वाली फोर्सेस बताओ, ये रहा खूबसूरत सा पार्टिकल, मैं एक काम करता हूं यहां पे इसको बना लेता हूं, ये रहा पार्टिकल, इस पार्टिकल पे एक फोर्स तो इसका वेट है mg, मान लेते हैं यहां के लिक्विड के पार्टिकल का मास m, है ना, यहां मान लिया लिक्विड का एक पार्टिकल है जिसका मास से dm मानना है, dm मानो, मैंने कहा इस पार्टिकल का मास m, एक फोर्स तो mg, और कौन सी फोर्स लग रही है, और लग रही है इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, r रेडियस के सर्किल में घूम रहा, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा r, r रेडियस के सर्किल में घूम रहा, तो अगर हम इसी फ्रेम से देखें तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से बाहर m r ओमेगा स्क्वायर, और ये लग रही है इस पे नेट फोर्स f नेट,
अब कहानी समझ में आ रही कि इसका सरफेस इस शेप में क्यों गया, क्यों? क्योंकि देखो सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहां तक बातें क्लियर हुई अपने को। अब हमको वाई और आर में रिलेशन चाहिए। भैया 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 आपने सोचा सोचा सोचा, हमने बच्चों यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करने की हमने कोशिश की इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सारी कहानी डिस्कस हो रही है, इसी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बनाया। ये रहा, क्या बनाया? एक टेंजेंट। मान लेते हैं टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा थीटा, तो यहां से हम बोल सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है टैन थीटा। किसी कर्व पे टेंजेंट क्या बताता है? स्लोप। और वही स्लोप शायद बताती है dy by dx। सही बोल रहे हैं कि गलत? टेंजेंट का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से टैन थीटा, वही क्या बताता है? dy by dx। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। अगर ये कर्व है और ये वाला जो नेट फोर्स जा रहा वो कर्व से 90 डिग्री पे है, मतलब कर्व के लिए नॉर्मल है, और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब इसमें और नेट फोर्स, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर, उसका टेंजेंट साथ 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल पूरा 90 है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। क्लियर? ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा फिर 90 था, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब जरा इस डायग्राम से बताओ टेन थीटा किसके इक्वल आ रहा? टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। बेस कितना है? एम जी। यहां से टेन थीटा निकालोगे तो ये देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर को यहां पर रख सकते हैं ना, यहां से उठा के यहां रख दोगे, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टेन थीटा इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एम से एम कट गया, मिला हमको आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ये है, यानी दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं dy by dx इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। यहां तक क्लियर हुआ? यहीं तक कहानी थी, इसके बाद सब आसान है। मैंने क्या कहा? इस कर्व पे एक पॉइंट ले लिया जिसका मास m मान लिया, उसके ऊपर फोर्स देखी नीचे mg, इधर सेंट्रीफ्यूगल नेट फोर्स ऐसे, इसीलिए कर्व का शेप ऐसे। इस कर्व पे एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट ने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाया, टेंजेंट का जो थीटा होता है टैन थीटा स्लोप होता है dy by dx होता है। फिर मैंने कहा ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है कर्व के परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में 90 एंगल, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। फिर मैंने कहा टैन थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अब सुनो यार, आर ही तो एक्स है, आर ही तो एक्स है, चाहे आर लिखो चाहे एक्स लिखो। देखो ना, इस डायरेक्शन में आपने आर ले रखा है, इसी डायरेक्शन में तो हम एक्स एक्स को लेते हैं वेरिएबल, तो आर लो या एक्स, तो मैं कहता हूं डीवाई बाई डी आर कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अपने मन में हमको एक बात समझ में आ गई, एक्स किसके इक्वल है? आर। जिसको हम एक्स समझ रहे थे वही यहां पर आर ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहां से डीवाई इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर जी इंटू डी आर। अब देखो वाई और आर में रिलेशन मिल सकता है, इसीलिए ये सब किया मैंने। मुझे पता था इस कर्व की मुझे इक्वेशन चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा था कर्व की इक्वेशन निकाल लूं। ये पैराबोलिक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन आने वाली है डीवाई बाई डी आर, स्लोप डीवाई बाई डी एक्स, और यहां से टेन थीटा से भी आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। देखो यार, टेन थीटा से तुम पहले भी निकाल सकते थे, टेन थीटा की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो तो वो क्या होती थी? ए बाई जी। ए कितना होगा यहां पे? आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई जी। खैर, सिस्टमैटिक करना चाहिए तो हमने किया। अब यहां से वाई और आर का रिलेशन के लिए इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट, डीवाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट बाहर, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू। सही है, ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, जी कॉन्स्टेंट बाहर, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू। मिल गई वाई की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे टू जी। दैट इज डन, क्वेश्चन इज ओवर। p इज इक्वल टू p नॉट प्लस रो जी y, यहां पे जो प्रेशर होगा, अब y की जगह वो एक्सप्रेशन पुट कर दो, p नॉट प्लस रो जी आर स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर बटे 2g, तो मतलब g कैंसिल हो जाएगा बटे 2. दिस विल बी द प्रेशर एट अ डिस्टेंस r. y की जगह पुट किया r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, g से g कैंसिल. मजा आया, प्यारा सा सवाल था. ठीक है, अब इसको याद मत रखो, एक तरीका बताया. ठीक है, कैसे कर्व की इक्वेशन, सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मेंस में ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा. तो यहां पे एक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, प्रेशर का वेरिएशन विथ डेप्थ एंड ऑन द सेम लेवल, एक बार स्टैटिक फ्लूइड में और एक बार स्टैटिक ही फ्लूइड था बट एस्केलेरेशन से चल रहा था पूरा वेसल. अभी P is equals to P naught plus rho gh पे और भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो हम करेंगे बैरोमीटर के टॉपिक के अंदर. YouTube वाले क्वेश्चन करेंगे, नहीं ये YouTube नहीं, YouTube वाले क्वेश्चन करेंगे. तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.